तो सबसे पहले हमें प्रेसिंग करना है, बालों के अंदर अच्छे से प्रेसिंग करना है। उसके बाद ही हमें पार्टिंग निकालनी है। पार्टिंग निकालने के बाद ये साइड में बैक में बैक वाले हेयर में पोनी बनानी है। पार्टिंग निकालने के बाद याद रहे दोस्तों, आपको प्रेसिंग करनी है बालों के अंदर अच्छे से। प्रेसिंग करने के बाद ये आपको साइड पार्टिंग निकालनी है। इसके अंदर मैंने अच्छे से प्रेसिंग कर रखा है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है बिल्कुल प्लेन हेयर। उसके बाद आपको कॉम करना है अच्छे से साइड वाले सेक्शन को, कॉम अच्छे से करना है। स्प्रे करेंगे, ये मेरा स्प्रे है, स्प्रे करेंगे हम अच्छे से। अच्छे से कॉम करना है स्प्रे करने के बाद। फिर आपको यहाँ पे स्टील की एक सेक्शन क्लिप लगानी है, जो स्टील वाली मैं लगाता हूँ। यहाँ पे आप स्टील की सेक्शन क्लिप लगाएंगे, उसके बाद आप बॉब पिन लगा देंगे। अच्छे से बॉब पिन लगाना है आपको, और फिर आप ये स्टील की सेक्शन क्लिप हटा लेंगे। फिर हम बैक से स्टार्ट करेंगे। दूसरी वाली साइड में हमें क्या करना है कि अच्छे से कॉम करना है, जो हमने प्रेसिंग कर रखा है। और याद रहे दोस्तों, इस हेयर स्टाइल में आपको प्रेसिंग करना ही करना है, क्योंकि इसके अंदर आपको हेयर को स्लिप करना है, स्प्रेड करना है। तो सेक्शन जैसे जैसे मैं निकालूँ, सेम वैसे ही आपको सेक्शन लेना है। अच्छे से कॉम करना है, कॉम भी अच्छे से करना है। बाल एकदम नीट और क्लीन होने चाहिए। अच्छे से कॉम करना है प्रेसिंग के बाद। फिर आपको फिंगर्स से जैसे मैं स्प्रेड कर रहा हूँ वैसे करना है। आपको मैंने पहले भी बताया हुआ अपनी वीडियो में कि आपको जो है कि फिंगर के ऊपर कंट्रोल करना है, जिससे आप खींचते हैं। अगर कंट्रोल नहीं होगा तो वो सारे हेयर आपके एक साथ खींचते चले जाएंगे। फिर आपको स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद जैसे मैं टर्न कर रहा हूँ फिंगर को पकड़ के, वैसे आपको टर्न करना है। फिर आपको बॉब पिन लगानी है। बॉब पिन दोस्तों हाथ से खोलनी होती है, मुंह से नहीं खोलनी होती है, आपको पता है, पहले वीडियो में मैंने बताया हुआ है। फिर हम दूसरा सेक्शन लेंगे जैसे मैंने बताया हुआ था। दूसरा सेक्शन लेंगे, सेक्शन बाय सेक्शन इसके अंदर काम करेंगे। सेक्शन भी नीट होने चाहिए। अच्छे से कॉम करेंगे, फिर फिंगर के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया, और अच्छे से इसको खींचेंगे। इसके बाद आप इसके अंदर स्प्रे करेंगे, जिससे कि लेयर स्टे हो जाए। अच्छे से इसको नीट करेंगे एक एक हेयर। फिर इसका जैसे जैसे फिंगर में घुमा रहा हूँ, टर्न कर रहा हूँ, सेम वैसे ही आपको टर्न करना है। और उसके बाद आपको बॉब पिन लगानी है। तो दोस्तों व्यूज़ तो बहुत सारे चले जाते हैं यार, लाइक तो बिल्कुल नहीं मिलता। तो यार फटाफट लाइक कर लो इस वीडियो को, क्योंकि इतनी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए बनाया हूँ। और इसका एक और पार्ट आएगा, जिसके अंदर मैंने रोज़ बनाया हुआ है, तो मैं अभी फ्रंट का बता रहा हूँ आपको। और इसका दूसरा पार्ट जो आएगा, उसके अंदर मैं आपको रोज़ बनाना बताऊँगा। तो फटाफट इसको लाइक कर लो, मुझे पता चले कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी ये वीडियो, तो उसको भी मैं फटाफट इसको अपलोड कर दूँ, जो रोज़ मैंने बनाया हुआ है इसका बैक वाला जो हेयर स्टाइल है। तो जितने व्यूज़ जाएंगे उतने ही इसके लाइक भी आने चाहिए। लाइक के लिए मैंने आपको वीडियो के लास्ट में मैंने बताया कैसे लाइक करना है, कैसे सब्सक्राइब करना होता है, वो सारी चीज़ें मैंने वीडियो के एंड में बताया हुआ है, अगर नहीं पता है तो। तो एक एक हेयर जो होता है, हमें इसको अच्छे से स्प्रे करके सेट करना होता है, जैसे जैसे मैंने बताया आपको। पहले स्प्रेड करना है, फिर स्प्रे करना है। स्प्रे करेंगे तभी जाके हेयर
स्टेबल हो पाएगा, स्टे हो पाएगा। और दोस्तों अभी तक हमारे फेसबुक अकाउंट पे आपने फॉलो नहीं किया है या इंस्टाग्राम पे नहीं किया तो फॉलो करिए, वहाँ पे आपको हेयर स्टाइल से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिल जाएंगी आपको। फिर दूसरा सेक्शन लेंगे बाकी बचे बालों को हम साइड में कर देंगे और पिन लगा देंगे सेक्शन क्लिप स्टील वाली। फिर हम इसको अच्छे से कॉम करेंगे सेक्शन को और फिंगर से हमें इसको स्प्रेड करना है। स्प्रे करके आपको नीटनेस दिखानी है इसके अंदर, नीट करना है, स्प्रे करना है और जो एक एक बाल इधर उधर हो रहा है उसको सेट करना है फिंगर की हेल्प से। फिर जैसे मैंने पकड़ा हुआ है उसको टर्न करना है, स्प्रे करना है, एक भी बाल इधर उधर नहीं होना चाहिए। और जैसे जैसे मैं टर्न कर रहा हूँ सेम वैसे ही टर्न करिए। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है 9911418347 और मेरी कंट्री का कोड है +91। और आपको ये हेयर स्टाइल कैसे लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक मेरे फेसबुक अकाउंट या इंस्टाग्राम पे आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। सेम इसी अकाउंट से मैजिक टेक्निक्स बाय चंद्र प्रकाश पटेल। और वीडियो के लास्ट में मैंने बताया हुआ है कि कैसे आपको फॉलो करना है। तो इसके अंदर स्प्रे बहुत ज़रूरी है और सेक्शन बहुत ज़रूरी है और आपके फिंगर पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। बस ये तीन चीज़ बहुत ज़रूरी है, अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपका ये हेयर स्टाइल बन जाएगा। तो फटाफट इसको लाइक कर लीजिए दोस्तों, जितने व्यूज़ जाने जाएंगे उतने ही आपके लाइक्स भी आने चाहिए। अगर मान लो आपके आप लोगों ने 5000 लोगों ने देखा है तो 5000 लाइक्स कम से कम आने चाहिए। इसकी एक और वीडियो आएगी मेरी जो रोज़ के ऊपर है, ये पार्ट वन मैंने बनाया हुआ है, स्प्लिट कर दिया है मैंने दो पार्ट में, तो पार्ट वन और पार्ट टू रहेगा। तो पहले पार्ट में मैंने ये हेयर स्टाइल बताया हुआ है फ्रंट का, बैक का हेयर स्टाइल मैं दूसरा बता दूंगा आपको, रोज़ वाला आएगा। फिर हम एक और सेक्शन लेंगे कॉम करना है, कॉम अच्छे से करना है और जो हेयर है इसको अलग से रख देंगे। उसके बाद से जैसे मैंने बताया कि फिंगर पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, तीन चीज़ मैंने आपको बताई है, फिंगर पे कंट्रोल होना ज़रूरी है, सेक्शन नीट होना ज़रूरी है और स्प्रे होना ज़रूरी है। स्प्रे होने से ये होता है कि आपके जितने बाल इधर उधर होते हैं आप उसको अच्छे से सेट कर पाते हैं। तो दोस्तों मैंने बस आपको तीन चीज़ बताई, अगर आपने वो तीन चीज़ का ख्याल रखा है तो ये स्टाइल ज़रूर बन जाएगा। पहला ये कि आपको सेक्शन बिल्कुल नीट निकालना है, दूसरा ये कि आपके फिंगर पर कंट्रोल होना चाहिए और तीसरा ये कि आपके पास स्प्रे स्ट्रॉन्ग वाला होना चाहिए, तो ये स्टाइल बन जाएगा। और जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ सेम वैसे आपको बनाना है। उसके बाद आपको अच्छे से स्प्रे करना है और बॉपिन लगानी है। बॉपिन आप दो लगा सकते हैं, अगर एक से अगर बात नहीं बन रही है, अगर एक अच्छे से नहीं लगी है तो आप दूसरी बॉपिन यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको स्प्रे करना है, अगर एक एक बाल इधर उधर निकल रहा है तो आप उसको सेट कर देंगे तो अच्छे से हो जाएगा। और दोस्तों आज इस वीडियो को जितना आप देखेंगे उतना ही इसको शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और आती रहेंगी और नई नई टेक्निक्स आती रहेंगी मेरे इस हेयर स्टाइलिंग वाले चैनल के ऊपर। और मैं चाहता हूँ इसको नंबर वन चैनल बनाना हेयर स्टाइलिंग का, तो मेरा साथ दीजिए दोस्तों और फटाफट शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। देखिए कितना सुंदर हेयर स्टाइल हो चुका है। अभी ये सेक्शन जो बचा हुआ है इसके अंदर हम कॉम करेंगे। और दोस्तों याद रहे इसके अंदर प्रेसिंग होना ये बहुत ज़रूरी है, प्रेसिंग अगर नहीं होगी
और अगर प्रेसिंग नहीं हुई तो ये अच्छे से स्प्रेड नहीं हो पाएगा और उसके बाद से आप अच्छे से इसको बना नहीं पाएंगे। तो आपका प्रेसिंग होना भी ज़रूरी है, सेक्शन भी नीट होना ज़रूरी है और फिंगर पे कंट्रोल होना ज़रूरी है और आपके पास स्ट्रॉन्ग वाला हेयर स्प्रे होना चाहिए, तो आप ये वाला हेयर स्टाइल ज़रूर बना पाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये हेयर स्टाइल पसंद आया होगा, और अगर ये आपको पसंद आया तो फटाफट से लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर लीजिए। और जैसे जैसे मैंने बनाया ये वैसे ही बनाना है, और मेरे पास भी बना के आप फॉरवर्ड करेंगे तभी मेरे को पता चला है कि हाँ आपको पसंद आता है और आप फॉलो करते हैं टेक्निक्स को। और अगर कुछ प्रॉब्लम है बनाने में तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया हुआ है +91 तो मेरे इंडिया का कोड है जहाँ मैं रहता हूँ, और मेरा नंबर है 9991418347। और जैसे जैसे मैं स्प्रे कर रहा हूँ सेम वैसे करना है, एक एक बाल को आपको सेट करना है अच्छे से, नीटनेस दिखानी है इसके अंदर जैसे जैसे इसके अंदर हेयर स्टाइल में बनाया हुआ है। तो दोस्तों आपको पसंद आया तो फटाफट से लाइक कर लीजिए, और बैक में जितने हेयर बच गए हैं इसको अच्छे से कॉम करेंगे और कॉम करके हम पीछे जो पोनी है उसके अंदर सेट कर देंगे। अगर आपको ये हेयर स्टाइल अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपको कैसा लगा ये हेयर स्टाइल। और अभी तक इस चैनल को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, अच्छा लगा सभी को, इसलिए मैं और नई नई टेक्निक्स लेके आता रहूँगा, और आप लोग और सपोर्ट कीजिए इसको मेरे को, ये चैनल मुझे ये चैनल, मैं चाहता हूँ कि ये चैनल YouTube के ऊपर नंबर 1 चैनल बन जाए, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। और इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है जिसके अंदर मैं रोज़ बताऊँगा, अभी मैंने इसको फ्रंट वाला हेयर स्टाइल बताया हुआ है और आगे हम दूसरा ही बता देंगे। और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से फटाफट ये हेयर स्टाइल आप मेरे को बना के भेजें कि मेरे को पता चले आप लोगों ने ये वीडियो देखी है और आप लोगों ने कोशिश की है। और जैसे जैसे मैं पिन लगा रहा हूँ सेम वैसे ही पिन लगाना है, और जैसे जैसे मैंने बताया सेम वैसे ही करना है। तो स्प्रे से हम सेट कर देंगे जो बाल इधर उधर हो रहा है तो उसको स्प्रे कर देंगे। और रही बात लाइक करने की, ये सब मैंने बता दिया, अब ऐसे लाइक करना है आपको, नीचे ये लाइक का ऑप्शन आ रहा है थम्स अप ऊपर, तो आप इसको दबाएंगे तो लाइक हो जाएगा, ब्लू कलर का आ जाएगा, और रेड कलर का है सब्सक्राइब तो आप उसको प्रेस करेंगे तो ग्रीन हो जाएगा, और बेल का आइकन दबाएंगे तो आप मेरी लेटेस्ट वीडियो देख पाएंगे। नीचे स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपको ये हेयर स्टाइल कैसा लगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम वगैरह पे अगर आपको फॉलो करना शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हैं, और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों यार शेयर करिए ज़रूर, शेयर करेंगे तभी ये चैनल नंबर 1 हो पाएगा जो मैं चाहता हूँ। तो जैसे मैंने बताया इसको वैसे ही करना है, फिर आप अगर फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो करना चाहते हो तो सेम इसी अकाउंट से आप सर्च करेंगे मैजिक टेक्निक्स बाय चंद्र प्रकाश पटेल, तो मेरा पेज निकल के आ जाएगा आपके सामने, और आप उसे लाइक का बटन दबा देंगे तो आप इस पेज को फॉलो कर पाएंगे। और अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आप खोलिए और उसके बाद सेम सर्च करना आपको मैजिक टेक्निक्स बाय चंद्र प्रकाश पटेल, मेरा पेज आ जाएगा, आप उसको फटाफट से फॉलो कर लीजिए और इसके अंदर बहुत सी नॉलेज आपको मिलती रहेंगी।